Hello friends, this is Sobhyasachi Mukherjee and welcome to our YouTube channel Sobhyasachi Tech. Friends, आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो वीडियो टिकटॉक टिकटॉक के ऊपर ही है. टिकटॉक के ऊपर ये मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ. इससे पहले जो दो वीडियो मैं बनाया था, ये पहला जो वीडियो था वो था टिकटॉक के बैंड के ऊपर, टिकटॉक भारतवर्ष में बैंड क्यों हुआ इसके ऊपर वीडियो था. दूसरा जो वीडियो था टिकटॉक बैंड भारतवर्ष से क्यों हटाया गया इसके ऊपर वीडियो था. मैंने दोनों वीडियो पर ही दोनों का कारण, दोनों का वजह मैंने अच्छी तरह तरीके से बताया था. अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर चले जाइए, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा. तो आज का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, टिकटॉक का जो बैंड हुआ था, इस बैंड के वजह से टिकटॉक वालों ने, यानी चाइना का जो इस कंपनी टिकटॉक को चलाता है, इन्होंने इनका प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर, यानी टिकटॉक का जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है इसके ऊपर कुछ चेंजेस लेके आया है. तीनों चेंजेस लिया है उन लोगों ने. तो क्या है चेंजेस, यही आज बताएंगे. तो फ्रेंड्स, चेंजेस क्या है ये जानने के लिए, और जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑन कर दीजिए, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, भारतवर्ष में सिर्फ भारतवर्ष ही एक देश है जहाँ टिकटॉक को बैन किया है. चाइना में तो नहीं किया, चाइना का ही कंपनी है उसमें, उधर तो नहीं किया, अमेरिका में नहीं किया, इंग्लैंड में नहीं किया, कहीं भी नहीं किया, लेकिन भारतवर्ष में बैन किया. क्योंकि भारतवर्ष का जो सरकार है, भारत का सरकार है, भारतवर्ष का जो आईन व्यवस्था है, उन्होंने उन लोगों ने सोचा क्या टिकटॉक पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है, चाइल्ड के द्वारा चाइल्ड को इस टिकटॉक ऐप से बुरा असर पड़ रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इसीलिए इन्होंने बैंड किया था. तो बैंड करने के बाद आपको पता है क्या क्या हुआ था, वो मैंने वीडियो में बताया था. तो इसके वजह से टिकटॉक वालों ने भारत सरकार को और भारतीय आईन व्यवस्था को तीनों चीज़ों पर काम करने का दावा किया है, तीनों तीनों चीज़ों पर बदलाव लिया है. और तीनों चीज़ है, तीनों जो बदलाव है वो पूरी पूरा ही प्राइवेसी पॉलिसी पर है. आप खुद का कम्युनिटी जो गाइडलाइन है उसी पर है. तो पहला जो उन्होंने चेंजेस लिया है और वो है क्या, जी देखिए, जितने सारे वीडियो या जैसे पोर्नोग्राफी को सपोर्ट करता है, ये पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है, इस तरीके का वीडियो है, उन सब वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक से हटा लिया जाएगा, और कुछ भी वीडियो हटा भी दिया है इन लोगों ने. ये था पहला पहला कदम इन लोगों का. दूसरा कदम है, देखिए, टिकटॉक वीडियो पहले तो 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चे, 12 साल का बच्चे भी इसको इंस्टॉल करके, इसको रजिस्टर करके चला पा रहा था, लेकिन अब से ये आप 13 साल या 13 साल के नीचे से जितने सारे बच्चे हैं वो लोग टिकटॉक वीडियो चला नहीं पाएंगे. तो आप लोगों का सवाल ध्यान में आ ही सकता है कि कैसे पता चलेगा. तो इसके लिए उन लोगों ने अभी तक इसके बारे में खुलासा नहीं किया. शायद आधार कार्ड मांग सकता है रजिस्टर के दौरान, और नहीं तो स्कूल का जो आई कार्ड है, और नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मांग सकता है. तो इसे देकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा. तो इससे पता चल जाएगा कि आपका उम्र 13 साल के नीचे है या 13 साल के ऊपर है. जो अगर 13 साल के नीचे है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगर 13 साल के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. और जितने सारे अभी तक का वीडियो है 13 साल के नीचे है, उन सब टिकटॉक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा. ये था दूसरा कदम. और तीसरा जो कदम था और वो है क्या, इन लोगों ने भारत सरकार को बताया क्या, अगर कोई भी इंसान टिकटॉक का किसी भी वीडियो को देख कर लगे तो क्या ये लगे क्या ये गलत है, ये समाज पर बुरा असर करेगा अगर, तो इन लोगों ने तो व्यूअर्स टिकटॉक पर रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक में रिपोर्ट करते हैं या यूट्यूब में रिपोर्ट किया जाता है, तो इसी तरह रिपोर्ट कर सकते हैं. और टिकटॉक वाले उसी चैनल पर या उसी वीडियो पर जाके उसको उसके वीडियो पर अच्छी तरह देखेंगे और इंक्वायरी करेंगे. अगर लगा क्या ये बुरा असर सचमुच पड़ने वाला है या पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है, ये साइबर क्राइम जैसे कुछ हो रहा है, तो 3 से 36 घंटे के अंदर उस
वीडियो को हटा दिया जाएगा और वीडियो चलाने वाले व्यक्ति को वार्निंग दिया जाएगा। दो वार्निंग के बाद अगर कुछ सुधार नहीं आए तो तीसरे वार्निंग तीसरे बार उनका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये तीन जो कम्युनिटी गाइडलाइन का सुधार उन लोगों ने किया है, भारत सरकार को और आईन व्यवस्था को, खास करके मद्रास हाई कोर्ट को इन लोगों ने बताया है, उनका वकील जो थे उन्होंने बताया है। तो फ्रेंड्स, यही है तीन अपडेट। अगर जब आप लोग टिकटॉक चला रहे हैं तो इन तीनों बातों को ध्यान रखिए, तीनों बातों को ध्यान में रखिए, टिकटॉक चलिए, नहीं तो आपका वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑन कर दीजिए। तो आज यही तक, अगले दिन कोई और एक वीडियो के साथ आएंगे। तो इजाज़त दीजिए, गुड बाय।